डॉक्टरों पर प्रॉक्टर के साथ गाली गलौज का आरोप भी है। नहीं सुधर रहे हैं एलयू के हालात, पीसी और छात्रों के बीच में मतभेद जारी है। भारी पुलिस बल लखनऊ विश्वविद्यालय में तैनात है। छात्रों ने प्रॉक्टर से अभद्रता के आरोप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले भी हुआ था बवाल, एसएसपी को गंवानी पड़ी थी अपनी कुर्सी, सीओ महानगर का भी हो गया था तबादला। बड़ी खबर इस वक्त, सिंह बजरंगी नाम का एक छात्र, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ के जा चुका है ये यहाँ से, यहाँ किसी भी क्लास में इसका प्रवेश इस समय नहीं है, बाहरी है। और इस पर प्रवेश के दौरान जब ये पढ़ रहा था, हॉस्टल में रह रहा था, तो पंखे भी चोरी करने का इल्ज़ाम है और मारपीट का भी इल्ज़ाम है, इसलिए प्रवेश तो इसे नहीं मिल सकता किसी भी क्लास में, क्योंकि प्रवेश की पात्रता ये पूरी नहीं करता है। आज फिर आकर के जब इसने उत्पात शुरू किया तो प्रॉक्टर ने पुलिस को रिपोर्ट करके इसे पुलिस को की गई थी कि सौरभ सिंह का पूर्व छात्र उसी कार्य कार्यालय में आया था और ऐसे उसने हॉटटॉक की, इसका क्यों पुलिस वहाँ पहले से उपस्थित थी तो उसको कस्टडी में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है, जो भी आवश्यक बनावे कार्रवाई हो उसमें अमल में लाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं, एलयू में हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। और कफील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कफील, आज क्या देखने को मिला लखनऊ विश्वविद्यालय में? जी ज़रा देखिए, आपको बता दिए पिछले कई दिनों से लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार बवाल चल रहा है, शिक्षक और जो छात्र उनके बीच में हालात सही नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते आज जो सौरभ सिंह बजंगी नाम का छात्र था वो अपनी काउंसलिंग ना होने की वजह से प्रॉक्टर ऑफिस पहुंचा था, जहां प्रॉक्टर ने इनको मना कर दिया कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि ऊपर आप पे आपराधिक मुकदमे हैं। तो जिसके चलते ये छात्र लगातार जो है वहां पे कह रहा था कि मेरे पर कोई मुकदमे हैं, लेकिन वो उसको उसकी एक ना सुनी गई, उसे भेज दिया गया। हालात जैसे बिगड़ते चले गए तो वहां पे मौजूद पुलिसकर्मियों ने जो प्रॉक्टर थे उनकी शिकायत पे छात्र को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लगातार कई छात्र वहां पे इकट्ठा होने लगे तो माहौल बिगड़ने लगा। वही बीसी का जो कहना है, बीसी का ये कहना है कि ये छात्र के ऊपर पहले जो चोरी का आरोप है, मारपीट का आरोप है, जिसके चलते इसकी काउंसलिंग नहीं कराएगी या ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कफील आपका पूरी बातचीत के लिए।